सो गाइज फाइनली हमारा रूम का सेटअप रेडी हो चुका है। और गाइज अगर आप भी अपना खुद का इस तरह का यूट्यूब सेटअप बनाना चाहते हो तो एज अ यूट्यूबर मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप जितना कम हो सके उतना कम खर्चा कीजिए, क्योंकि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपकी अर्निंग काफ़ी कम होगी या आप यूट्यूब से अर्निंग भी नहीं करते होगे। तो दोस्तों इससे पहले हमारा रूम का सेटअप कैसे दिखता था वो भी मैंने पार्ट वन में बता दिया है, और यहाँ पे मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि ये रूम का सेटअप कैसे दिखता था और किस तरह से मैंने इसे चेंज किया है वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमारा यूट्यूब सेटअप पहले कैसे दिखता था और उसके बाद मैंने कैसे इसे इस तरह से चेंज किया है। इससे पहले गाइज हमारा रूम का सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता था, जहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड टाइप का ये लग रहा है। और यहाँ पे जब मैं खुद भी इस रूम में एंटर करता था तो मुझे भी कुछ एनर्जेटिक फील नहीं होता था कि यहाँ पे आके मुझे वीडियोस बनानी है। और ऐसे ही मैं इस रूम को बिल्डअप तो करने वाला था तो मैंने बिना देर करते हुए यहाँ पे शुरुआत कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हाल है वो काफ़ी बुरा हो गया है। इससे पहले जो कलरिंग का यूज़ किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुड़ियों में कलर होता है, छोटी छोटी पाउच में कलर आता है, उसका यहाँ पे यूज़ किया गया था। इसमें कोई भी एशियन पेंट मतलब ऑयल पेंट का कलर यूज़ नहीं हुआ था, जिससे कि ये व्यू काफ़ी ख़राब दिखता था। इसके बाद जो दीवारें थी उनमें जो मिट्टी लगी हुई थी उसको हमने पूरी तरीके से हटा दिया। इसमें मेरे दोस्त लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और यहाँ पर देख सकते पूरी तरीके से हमने मिट्टी को यहाँ से निकाल दिया। और यहाँ पे जो कचरा है वो भी काफ़ी जमा हो गया है, क्योंकि ये दीवारें थी वो काफ़ी ओल्ड वाली दीवारें थी, तो यहाँ पे जो मिट्टी का कचरा है वो भी काफ़ी भर गया था, तो उसको मैंने पहले साफ कर लिया। और यहाँ पे जो आप दीवार देख रही हो इसको मैंने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिट्टी सी बनी हुई थी, इसलिए इसको हमने पूरी तरीके से यहाँ से निकाल ही दिया और नया वाला दीवार यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसके बाद गाइस बारी आती है इसको प्लास्टरिंग करने की, तो ये अब हम खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए प्रोफेशनल हाथों की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने हमें ये काम काफ़ी अच्छी तरीके से करके दिया है, सिर्फ हमने इनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प की है और ये कुछ ही घंटों में ये काम पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गंदगी ऊपर पड़ा हुआ था तो इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों की चारों दीवारें वो यहाँ पे कॉन्क्रीट की बन गई है, मतलब प्लास्टर इन पर चढ़ गया है। अब बारी आती है इनको कलरिंग करने की, तो कलरिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटे से लिटिल मास्टर को बुलाया है जिसका कि नाम है फोरबिटाक्षु, तो यहाँ पे वो कलरिंग का काम कर देगा, क्योंकि कलरिंग को मिक्सिंग करने का काम है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कर देगा। और उसके बाद मैं ही थोड़ा सा मेरे हाथों से कलर दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कलर पेंटर को नहीं बुलाया, हमने खुद के हाथों से यहाँ पे काम कर लिया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सब कुछ काम बाहर के लोगों से करवाए, आप खुद भी कर सकते, क्योंकि हमें खुद भी थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। और यहाँ पे हमने जो कलरिंग का काम है पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, अब इसको सूखने के लिए रख दिया है, इस तरीके का व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पे रात भी हो गया है। सो गाइस फाइनल यार सेटअप पूरा हो चुका है और अभी रात भी हो चुका है। अब मैं आपको फाइनल व्यू दिखाता हूँ कि अब सेटअप कंप्लीट होने के बाद कैसे दिखता है। तो गाइस चलिए यहाँ पे मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइस अब हम रूम के अंदर आ चुके हैं, अब इस वाले दरवाजे को यहाँ से लॉक कर देता हूँ ताकि बाहर काफी नॉइज है वो आपको इस वीडियो में सुनाई ना दे। तो गाइस चलिए अब मैं आपको पूरा रूम दिखा देता हूँ कि हमारा जो रूम है वो कैसे बना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो लास्ट वाला व्यू है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये लाइट काफी ज्यादा ब्लिंक कर रही है, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे काफी इरिटेट कर रही है, तो इसको मैं यहाँ से स्लो कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइट्स को स्लो कर दिए, अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को भी मिल रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक कैमरा लगाया है जो कि स्ट्रीमिंग के वक्त काफ़ी काम आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे हमने ये एलईडी लैंप लगाया है जो कि जो पूरा फेस पे व्यू देगा, काफ़ी अच्छा ग्लो वाला व्यू देगा। इसी के साथ हमारे यहाँ पे पीसी रहेगा और साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड और कुछ हेडफोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमने ऊपर भी एक लाइट लगवाया है और साथ साथ नीचे भी एक लाइट लगाया है जो कि आरजीबी लाइट है। और हमारा ये जो बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो में हेल्प करेगी, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा होना ही चाहिए, तो इसलिए हमने ये वाला लाइट यहाँ पे लगा दिया है। साथ ही साथ ये वाला लैंप लगा दिया जो कि बैकग्राउंड में भी काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है। और इसी के साथ साथ पूरे रूम को हमने यहाँ पे आरजीबी लाइट लगा रखी है, कुछ इस तरीके से हमने ये आरजीबी लाइट्स लगा रखी है। और अगर आप भी लगाना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इन्हें आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड व्यू दिखाता हूँ कि हमारा रूम किस तरह से यहाँ पे दिखने वाला है। We'll be right back.
गाइज हमारा ये सेटअप आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।